खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से। आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म मामले में दूसरा आरोपी धराया, एक को पहले ही जेल भेज चुकी है पुलिस। जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में आदिवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने गुरुवार की रात दूसरे आरोपी सताफ साई को भी गिरफ्तार कर लिया है। ललमटिया थाना प्रभारी ललित पांडे ने इसकी पुष्टि की है। बताया जाता है कि उक्त मामले में पुलिस ने बीते बुधवार को ही मुख्य आरोपी नसीम साई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बता दें कि बीते मंगलवार की शाम को आदिवासी किशोरी अपने दोस्त के साथ ललमटिया से बुआरीजोर स्थित अपने घर जा रही थी। इसी क्रम में नसीम साई और सताब साई ने मिलकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर नसीम को उसके गांव बाड़ा बुढ़ाए भादो टोला से गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरा आरोपी घटना के बाद से ही फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गुरुवार की ही रात गिरफ्तार कर लिया है। मौसम ने बदली करवट, झारखंड के 18 जिलों में आज हो सकती है बारिश। पिछले 3-4 दिनों की गर्मी के बाद गुरुवार की रात से हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से आराम मिली। मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित 18 जिलों में आज गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, रांची, खरसवा, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, दुमका, देवघर, धनबाद, गोड्डा, गिरिडीह, जामताड़ा, साहेबगंज जिले के लिए मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात और मध्यम से हल्के के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक दबाव का चक्रवाती क्षेत्र बन रहा है। 20 सितंबर तक पूर्ण रूप से सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद राज्य में एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। पूर्वी भारत का सबसे खूबसूरत बनकर तैयार देवघर नगर निगम का नया भवन। झारखंड के देवघर जिला का नगर निगम का नया भवन बनकर तैयार है। यह मास एंड वायट का डिजाइन और कंसल्टेंसी है। यह पूर्व भारत का सबसे खूबसूरत भव्य एवं आकर्षण नगर निगम भवन है। शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन किए जाने की संभावना है। डिजाइन में देवघर स्थित बाबा मंदिर की भी छाप दिखती है। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवी और शिक्षा शास्त्री भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी का पुण्यतिथि है। इस पर गोड्डा सांसद के निशिकांत दुबे ने इन पर श्रद्धांजलि करते हुए कहा कि भारत रत्न से सम्मानित महान शिक्षाविद व स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भगवान दास जी की पुण्यतिथि पर मैं सादर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि करता हूँ। खबर गोड्डा के डीसी कार्यालय से है। गोड्डा नगर क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा श्री ऋतुराज द्वारा भूमि विवाद से संबंधित मामलों को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि कोरोना के इस विकट संकट काल में आज विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। मुझे विश्वास है सत्र में विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगण के सार्थक सहयोग से झारखंड को नई दिशा मिलेगी। गोड्डा के पूर्व सांसद सह भाजपा नेता सूरज मंडल ने कहा कि रघुवर दास की गलत नीतियों की वजह से अस्तित्व में आई हेमंत सरकार। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जीती नहीं है बल्कि रघुवर दास की हार हुई है। खबर है दुमका से। कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। कोरोना काल में सैंपल देने के बाद भी लोगों को रिपोर्ट आने तक लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन लॉकडाउन में भी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जांच के लिए लैब बना डाली। अब दुमका, साहेबगंज और पाकुड़ के लोगों को रिपोर्ट के लिए 24 घंटे से अधिक समय का इंतजार नहीं करना होगा। यह बात बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिघी स्थित मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच के लिए बनी लैब को बुधवार को उद्घाटन करने के बाद कही। उन्होंने ऑनलाइन लैब का उद्घाटन किया और प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा कि सैंपल की जांच कितनी प्रक्रिया से होकर गुजरती है। मेडिकल कॉलेज संथाल परगना की बड़ी उपलब्धि। सीएम ने कहा कि दुमका मेडिकल कॉलेज संथाल परगना की बड़ी उपलब्धि है। अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान हर क्षेत्र के कार्यों में थोड़ी बाधा आई। महामारी की शुरुआत में राज्य में जांच लैब की सुविधा नहीं थी। पश्चिम बंगाल में समन्वय बनाकर जांच की जाती थी। लॉकडाउन में भी राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज में लैब ने
काम करना शुरू कर दिया है। लैब में विदेश के आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। लॉकडाउन में बाहर से उपकरण लाना, स्थापित करने के बाद चालू करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन संस्था के लोगों ने इसे कर दिखाया। खबर बताया जा रहा है कि दुमका से है, बिना मास्क के 15 दुकानदारों से वसूला जुर्माना। आइए जानते हैं मामला को गंभीरता से। जामा प्रखंड के बारापलासी बाजार में बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर यादव के नेतृत्व में जांच टीम ने 15 दुकानदारों को बिना मास्क पहने सामान बेचते पाया। वीडियो ने निर्देश पर सभी दुकानदारों को जुर्माना रसीद थमाकर जुर्माना वसूल किया गया। उन्होंने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया कि दूसरे दिन अगर बिना मास्क के पकड़े गए तो और अधिक जुर्माना देना पड़ेगा। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी कि बिना मास्क पहने दुकान में आए लोगों को सामान भी नहीं देना है। मास्क जांच टीम द्वारा कुल 1450 रुपये जुर्माना वसूला गया। पैदल और साइकिल से सफर करने वालों को भी रोककर मास्क लगाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि जुर्माना की राशि को नजारत में जमा कर दिया गया है। अभियान में योगेश नारायण सिंह, विकास मिश्रा सहित पुलिस के जवान मौजूद थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।